स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जोवियल हॉलीडे में। और आज हम घूमने आए हैं सुंदर नर्सरी, जो कि लोकेटेड है हुमायूं टॉम के पास। तो हुमायूं टॉम अभी जो हमने लास्ट विजिट किया था वो हुमायूं टॉम को विजिट किया था, तो उसकी जो वीडियो है वो आपको इस वीडियो के अंत में ही मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया जाएगा। तो आज हम जो घूमने आए वो सुंदर नर्सरी है। सुंदर नर्सरी की बेसिकली एक हेरिटेज पार्क है, और जहाँ पर आपको हेरिटेज जो 6 हेरिटेज साइट्स देखने को मिलेंगी, साथ ही साथ आपको एक नेचुरल जो व्यू है, जो एक नेचुरल एक एटमॉस्फेयर होना चाहिए वो आपको यहाँ पर दिखेगा। तो बेसिकली जो सुंदर नर्सरी है वहाँ पर आपको एंट्री करने के लिए जो टिकट प्राइस है वो 40 रुपये पर पर्सन है। इसका साथ में एनुअल पास भी है, क्योंकि ये एक बहुत ही खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है दिल्ली का। जो सबसे बेस्ट पिकनिक स्पॉट है वो दिल्ली का सुंदर नर्सरी है, जो कि निज़ामुद्दीन एरिया में आता है। और अगर हम बात करें, इसका मंथली पास भी यहाँ पर दिया जाता है, ताकि जो लोग हैं वो योगा और जॉगिंग और ट्रैकिंग और बाकी सारी एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। तो अभी मैंने एक बुक ली है, साथ में ही टिकट प्राइस के साथ ही मिलेगा, उसमें आपका 20 रुपये एक्स्ट्रा लगता है। बट इसमें इसलिए ये हमने लिया है क्योंकि इसमें आपको जो देखने को मिलेगा वो जो फीचर्स है यहाँ पर क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या मिलेगा। लाइक अभी अगर हम नेचुरल की बात करें, जो नेचुरल चीज़ें हैं उनमें से क्या मिलेगा कि यहाँ पर रोजेज के 30 स्पेसीज हैं, और बर्ड्स के 30 स्पेसीज हैं, बटरफ्लाइज 60 स्पेसीज हैं, और ड्रैगन फ्लाइज 22, और फ्लावर्स जो मिलेंगे वो 30 टाइप्स के हैं, और ट्रीज़ लगभग 4500 अराउंड हैं। जो 45 ट्रीज़ हैं उनका यहाँ पर कलेक्शन है, जो कि बहुत ही रेयर ऐसे प्लांट्स हैं जो ट्रीज़ हैं वहाँ, इन यहाँ पर उनका कलेक्शन किया जाता है। तो बेसिकली जो ये पार्क है वो 16 सेंचुरी में इसका जो स्थापना और जो बोल सकते हैं इसे जो नर्सरी टाइप में बनाया गया था, वो पेड़ों के लिए एक बनाया गया था इसको। तो यहाँ पर लगभग बहुत सारे पुराने पेड़ हैं अभी यहाँ पर बचे हुए हैं, उनको संरक्षण दिया जाता है। बाकी बर्ड्स यहाँ पर उनका संरक्षण दिया जाता है, उनकी सारी प्रजनन के लिए, बटरफ्लाइज के लिए। और यहाँ पर आपको मिलेगा, मैं देख लेता हूँ और क्या यहाँ पर है। यहाँ पर आपको 6 हेरिटेज साइट्स भी देखने के मिलेंगे, जिसमें कि होगा सुंदर बुर्ज, सुंदर वाला महल और लक्कड़ वाला बुर्ज, अजीम बाग और आग पावेलियन, मुग़ल पावेलियन, मुजफ्फर छोटा बतासे वाला और मुग़ल मौजोलियम। तो ऐसे 6 साइट्स यहाँ पर हैं जो कि हिस्टोरिकल साइट्स हैं, और प्लस इसमें नेचुरल पार्क भी है। तो आइए हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं पूरी नेचुरल को, जो भी नेचर है हमारा उसे अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, प्लस हेरिटेज जो साइटें हैं उनको भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस पार्क को। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से हमने एंट्री की और इधर से फिर हम ये जो आप सामने एंट्री करते हुए यहाँ से आएंगे, और आप सामने देख सकते हैं कि कितना ही खूबसूरत गार्डन है और कितना ही ब्यूटीफुल ट्रैक बना रखा है जहाँ पर घूमने के लिए। और सामने एक देख सकते हैं कि एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। तो अभी हम यहाँ से एंट्री करके और फिर आगे बढ़ेंगे और इसे एक्सप्लोर करेंगे पूरा पार्क को। और ये थोड़ा सा लंबी वीडियो हो सकती है, बट आपको यहाँ पर सब कुछ जो इस बुकलेट में है वो मैं कोशिश करूँगा कि सब कुछ दिखाने की आपको कोशिश करूँगा, तो प्लीज़ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम देखते हैं जो हमारी फर्स्ट लोकेशन है उसे हम एक्सप्लोर करते हैं। गाइज, हम पहली लोकेशन पे आ गए हैं जो कि है सुंदर बुर्ज, जो 16वीं शताब्दी का मुग़ल कालीन एक बुर्ज है। ये दिल्ली के स्मारकों में सुंदर बुर्ज एक खास इमारत है, और इस मकबरे की विशेषता है कि इसके गुम्बद की खूबसूरत तारों द्वारा इसकी छत का निर्माण किया गया है, जिसे पारंपरिक चूने के काम के साथ तराशा गया है। और मकबरे के चारों दीवारों पर चूने के काम से कुरान की आयतों को भी लिखा गया है। और निज़ामुद्दीन परियोजना के तहत इस मकबरे का संरक्षण किया गया है, और उसे बहुत अच्छे से सन 2010 से 2012 के बीच में उसे बहुत अच्छे तरीके से उसे सजाया गया है। और उसे जो इसका जो निर्माण कार्य किया गया था, ये तो खैर मुग़ल कालीन के आर्किटेक्चर हैं, बट इसका जो संरक्षण दोबारा से जो काम किया गया वो आगा खान ट्रस्ट द्वारा एक दोबारा से काम किया गया। तो चलिए
अब हम अंदर प्रवेश करते हैं और देखते हैं इसे और अच्छे से, और मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर से और कैसा दिखता है और पास से और कैसा खूबसूरती से इसे जो इसमें लिखा गया है उसे कैसे सजाया गया। तो चलिए बनते हैं। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सुंदर बुर्ज और गार्डन है, और यहाँ पर उसका एक चित्र है जो कि मॉन्यूमेंट्स के जस्ट बाहर ही लगाया गया है। ये आप देख सकते हैं कि सामने सुंदर बुर्ज है और अभी इसमें काम चल रहा है, तो अभी हम अंदर तो जा नहीं सकते, तो यहाँ बाहर से देख लेते हैं कि ये है। और इसी बुर्ज के जस्ट सामने ही आप देख सकते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा फाउंटेन पार्क को बनाया गया है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इसे चलिए अब देखते हैं पूरा पास से और एक्सप्लोर करते हैं इसे हम कि ये कैसा दिख रहा है और क्या कैसे ये पास में और दिखेगा। और जो यहाँ पर लोटस के तरीके के फाउंटेन्स का भी इस्तेमाल किया गया, तो चलिए हम इसे और पास से देखते हैं। पहुँच गए हैं सुंदर बुर्ज जो कि ये है, और आप देख सकते हैं कि इसकी जो सजावट की जा रही है वो लाल जो पत्थर हैं, बेसिकली जो बुर्ज पूरा बना है वो पत्थरों का बना हुआ एक मुग़ल आर्किटेक्चर है, और यहाँ पर साथ में पत्थरों को काट करके जालियाँ बनाई गई हैं, और आप देख सकते हैं कि ऊपर आयतें भी लिखी गई हैं। बट अभी ये अभी इसका रिनोवेशन काम चल रहा है, जो आगा खान जो इसका रिनोवेशन का जो काम है वो सारा आगा खान ट्रस्ट द्वारा करवाया जाता है। तो अभी इसमें फिर से रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो अभी हम अंदर तो नहीं जा सकते हैं, बट इसे जो अंदर से देखा जा सकता है वो एक बहुत ही अच्छी तरीके से उसकी सजावट की गई है लाल और सफ़ेद पत्थरों के कॉम्बिनेशन से, तो जो कि बहुत ही खूबसूरत सा एक मुग़ल आर्किटेक्चर का पूरा एक कलेक्शन बनता है। तो अभी हम इसे अभी तो नहीं देख सकते क्योंकि अभी इसमें रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो हम अपने नेक्स्ट लोकेशन में बढ़ते हैं और उसे एक्सप्लोर करते हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सी सुंदर सी झील आप बोल सकते हैं या फाउंटेन बोल सकते हैं, उसके जस्ट आप एंट्री करते हैं सुंदर नर्सरी में तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और ये बहुत ही खूबसूरत पिकनिक स्पॉट इसीलिए माना जाता है क्योंकि ये बहुत ही सुंदर लोकेशन है, और इसकी जो सजावट ये बहुत ही खूबसूरती के साथ इसकी की गई है। मैंने देखा सुंदर बुर्ज को और जो कि जस्ट इस फाउंटेन्स स्पॉट के जस्ट सामने है। अभी जो लेफ्ट साइड में आपके जो पड़ेगा वो सुंदर महल पड़ेगा, बट इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक सुंदर सा गार्डन है और जो फूलों का कलेक्शन है। तो चलिए यहाँ से हम सीधा चलेंगे और सीधा आगे सामने झील पड़ेगी और बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स पड़ेंगे, तो अभी हम सीधा चलते हैं, फिर बाद में बाकी सारे प्लेसेस को कलेक्ट करेंगे इसी वीडियो में, बने रहिए। गाइस यहाँ आप देख सकते हैं कि कितना ही खूबसूरत सा पार्क है, यहाँ पर सारे फूलों को जो भी है इनका एक कलेक्शन यहाँ पर किया गया है, सभी प्लांट्स को यहाँ पर उगाया जाता है। आप देख सकते हैं कि कितना ही बड़ा जो एक कलेक्शन है जो नर्सरी है, इसीलिए इसे सुंदर नर्सरी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर नर्सरी बेसिकली प्लांट्स को यहाँ पर उगाया जाता है और उन्हें हर जगह तक पहुँचाया जाता है। और आप देख सकते हैं कितना ही बहुत ही सुंदर लग रहा है और सारी पेड़ों को यहाँ पर कलेक्शन किया गया है। देख सकते हैं कि ये यहाँ पर जो बहुत ही खूबसूरत जो पेड़ हैं ये सुंदर नर्सरी में ही पाए जाते हैं, और यहाँ आप चारों तरफ देख सकते हैं कि बहुत ही ऐसे सुंदर सुंदर से फूल हैं और उनका पेड़ है यहाँ पर, और सभी को यहाँ पर बनाया जाता है, उगाया जाता है, और फिर यहाँ पर सारे पूरे दिल्ली में ही सप्लाई की जाती है जिसको भी रिक्वायरमेंट होती है। प्लस इसके साथ साथ यहाँ पर इनको एक कलेक्शन के रूप में यहाँ एक आप बोल सकते हैं कि फ्लावर्स का म्यूज़ियम है यहाँ पर, जो कि आप देख सकते हैं कि ये चारों तरफ एक बहुत ही सुंदर सा और फूलों का कलेक्शन है जो कि इस सुंदर नर्सरी की खूबसूरती को और बढ़ाता है।
तो आप अपनी फैमिली के साथ और फ्रेंड के साथ आ सकते हैं, बच्चों के साथ पिकनिक के लिए आ सकते हैं और अपने इन फूलों को उन्हें अच्छे से समझा सकते हैं और बता सकते हैं। तो और आगे ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक बोनसाई नेशनल बोनसाई पार्क भी है और नेशनल बटरफ्लाई गार्डन भी है जहाँ की बहुत सारी बटरफ्लाइज का कलेक्शन है। तो आगे हम और एक्सप्लोर करते हैं इस वीडियो में, तब तक बने रहिएगा। गाइज अभी हम आ गए हैं लकड़वाला बुर्ज, जो आप देख रहे हैं ये लकड़वाला बुर्ज है और अभी हम इसे एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये लकड़वाला बुर्ज है और इसके चारों तरफ ये जो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये मेन बुर्ज है और चारों तरफ गार्डन है। तो आप यहाँ रियल में देख सकते हैं कि ऐसा ही गार्डन चारों तरफ बनाया गया है, बहुत सारे फ्लावर्स हैं और बेसिकली यहाँ पर जो भी फ्लावर्स इसके सामने लगाए हैं सारे रोजेज लगे हैं, जो कम से कम 15-20 टाइप के ये रोजेज हैं, लाइक वाइट हैं और येलो हैं, पिंक हैं, रेड हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यार 2007 में ये काफ़ी खंडहर टाइप में लगता था, फिर 2010 में ये और सही किया गया, 11 और ऐसे ही पूरा ये सजावट इसकी की गई है, पूरा जो बिफ़ोर कंजर्वेशन और आफ्टर कंजर्वेशन दो आप देख सकते हैं कि ये पूरा इसे सजाया गया है। तो ये जो सामने आप देख सकते हैं कि ये पहले कैसा था और बाद में अब कैसे दिखने लगा, कि काफ़ी सारी इसकी जो सजावट आगा खान ट्रस्ट द्वारा की गई है। तो अभी इसे और चलिए अंदर से और इसे अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। अभी हमने एंट्री कर ली है मेन जो लकड़वाला बुर्ज है और ये उसका मेन जो बुर्ज है वो है। बेसिकली यहाँ पर कोई कब्र वगैरह नहीं है, सिर्फ बेसिकली एक नॉर्मल सा बुर्ज बनाया गया है और बुर्ज के तरीके बेसिकली एक गुम्बद के तरीके बनाया गया। इसके आपके देख सकते हैं पूरी सजावट है और ये बुर्ज का थोड़ा सा बाहरी क्षेत्र है। और अब आगे हम एंटर करते हैं मेन जो बुर्ज है वहाँ पर, और इसको आप देख सकते हैं कि इसको लाल और जो सफ़ेद और लाल रंग से इसे सजाया गया, जो भी पत्थर हैं वो सारे लाल हैं और इसके जो चारों तरफ आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से इसे सजाया गया और प्लस इसमें अरबी में उर्दू में आयतें भी लिखी गई हैं, जो भी बहुत ही खूबसूरती से इसे सजाया गया पूरा। गाइज आप देख सकते हैं कि ये कितना ही खूबसूरत सा लग रहा है और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्राउड है। संडे है और संडे को यहाँ पर एक बहुत ही जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये बेस्ट दिल्ली का पिकनिक स्पॉट है जहाँ पर सारे लोग आते हैं और पिकनिक मनाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्राउड है, एक बड़ी सी फैमिली अपनी पूरी फैमिली और यहाँ पर सारे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी फैमिलीज़ हैं। और सामने जो आप व्यू देख रहे हैं ये है लेक, जो कि जस्ट मिड में स्थित है सुंदर नर्सरी के। तो अभी हम इसे देखते हैं और पास से, और इसके बाद फिर फैब लेक है जो कि यहाँ पर एक रेस्टोरेंट बना हुआ है जो कि लेक व्यू के साथ ही है, तो उसे भी देखते हैं और इस व्यू को पूरा देखते हैं और अच्छे से देख सकते हैं। तो आप यहाँ फैमिली के साथ आकर के अपना पूरा डे अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी लोकेशन, अगली लोकेशन पर। देख सकते हैं ये है हमारी जो सुंदर नर्सरी में लेक है जो कि बहुत ही खूबसूरत, आप देख सकते हैं इसका कितना ही प्यारा व्यू है। और अगर आप इवनिंग में आते हैं, अभी तो थोड़ा सा धूप हो रही है बट आप इवनिंग में देखेंगे तो यहाँ पर सारा सिटिंग होगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ आराम से बैठ करके बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और हम अपनी आनंद पूरा अच्छे से ले सकते हैं यहाँ पर बैठ करके। और कितना ही मतलब ये चारों तरफ पेड़ हैं और फाउंटेंस भी चल रहे हैं और साथ में लेक है, तो इससे अच्छा व्यू मुझे नहीं लगता कि कहीं दिल्ली में होगा। और प्लीज़ आप आ सकते हैं और इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। फाइव लेक व्यू जो रेस्टोरेंट है जो कि सुंदर नर्सरी के अंदर ही स्थित किया गया है, बाई सुंदर नर्सरी के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी के द्वारा इसे संचालित किया जा सकता है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा व्यू है और यहाँ पर लाइक ब्रेकफास्ट लंच और डिनर सारी व्यवस्थाएँ यहाँ पर हैं, आप कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ आकर के। यहाँ देख सकते हैं इसका कितना ही प्यारा व्यू है, तो तभी इसका नाम फाइव लेक व्यू रखा गया है इस रेस्टोरेंट का। तो आप आ सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा फूड है और
काफ़ी अच्छा यहाँ पर सर्विस भी है और काफ़ी अच्छा व्यू भी है आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि लेक व्यू है। और उसके साथ आप सनसेट में भी, सबसे बेस्ट टाइम अगर आने के लिए बोला जाए तो वो सनसेट है, उस समय आप आ सकते हैं और सूरज को देखते हुए और उसको फिर अपने लंच और डिनर जो भी है आप करना चाहें उसका आनंद उठा सकते हैं।